नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं। जी दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये कहाँ की गाड़ी आई, बड़ा ट्रेला है जी ये लंबे वाला। इसके टायर भी देखो कितने, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, फिर उसके बाद एक जोड़ी, फिर उसके आगे वाले टायर, पूरा लंबा ट्रेलर है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, कल से मार्केट कैसी है। योगेश शर्मा भाई साहब के पास, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। योगेश भाई साहब जी, कैसी मार्केट चल रही जी, कल से माल कम है मंडी में या ज्यादा है जी? नहीं, कल से तो देखो अराइवल कम है, कम है जी। कल दो दिन के बाद मंडी खुलती है, जैसे संडे की छुट्टी रहती है, तो कल के मुकाबले तो अराइवल कम है। अच्छा जी, ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये गुजरात की लगी है जी। गुजरात कौन सा इलाका जी? ये महुआ की गाड़ी, महुआ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो आप बात करें तो आज जो अराइवल आया है 13 गाड़ी पुणे की है, 13 गाड़ी पुणे। अच्छा जी। 14 गाड़ी गुजरात भावनगर महुआ इसमें आ गया। अच्छा जी। 7 गाड़ी नासिक की है, 1 गाड़ी नेफड़ में आई आज, 1 गाड़ी राजकोट, 4 गाड़ी राजस्थान सीकर के नए प्याज की है, 2 गाड़ी और बाद में नेफड़ में पहुंची है। अच्छा जी, एक मिनट दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, दिल्ली में आज रात 12 बजे से बरसात शुरू हुई थी, जो 2:30-3 बजे तक बरसात चलती रही। अच्छी खासी बरसात होगी, मंडी में चिक्कड़ भी है और कहीं कहीं पर पानी भी है, बरसात हो गई, ठंड दोबारा लौट आई दिल्ली में। हाँ जी, देखो कल से कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ है और अभी ठंड की जरूरत भी है, अभी से हैवी गर्मी पड़ जाएगी तो आगे चल के दिक्कत आएगी। हाँ जी, तो क्लाइमेट का भी ठीक रहना ही ठीक है, गर्मी नहीं रोक सकते अब की बार, गर्मी नहीं रुकेगी। टेम्परेचर तो इस साल ज्यादा ही रहेगा, सब अलर्ट कर रहे हैं। प्याज वाले प्याज नहीं रोक पाएंगे अब की बार? देखो प्याज की फसल गावटी कम है। पक्की रिपोर्ट है जी? पक्की रिपोर्ट है, 100% रिपोर्ट पक्की रिपोर्ट है, और सालों के मुकाबले कम बता रहे हैं गावटी फसल। अच्छा जी, बाकी फसल अप्रैल में निकलती है, अभी क्या मौसम बनता है मार्च के महीने में क्या नहीं है। अच्छा, तो सारा मौसम पे भी डिपेंड करता है। बाकी रिपोर्ट में ये है कि फसलें थोड़ी कम है और सालों के मुकाबले, और डैम खाली पड़े, गर्मी भयंकर पड़ेगी। देखो गर्मी भी है, किसान 2-3 साल से मर भी रहा था मंदे की चपेट में, क्योंकि पीछे भाव तो मिले नहीं किसानों को। आजकल आपको पता है 8 से 10-12 रुपए किलो में लागत भी पूरी नहीं होती है। हाँ जी। कम से कम किसान को 15 रुपए से 20 रुपए किलो का भाव मिले, ठीक है जी, तब तो इनको कुछ मिलता है। और आजकल हर चीज़ की महंगाई हो गई है, महंगाई के हिसाब से 15-20 रुपए किलो किसानों का प्याज बिकना चाहिए। और जो रिपोर्ट आई है कल शाम को निकल के आई कि नेफड और NCCF ही एक्सपोर्ट करेंगे, अभी व्यापारी वर्गों के लिए एक्सपोर्ट नहीं खोला गया है। अच्छा जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट होगा, अभी तक तो यही रिपोर्ट आई है, बाकी कोई और तो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं। अच्छा जी, आएगा तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है जी। बाजार कल जैसे ही है, कल जो बाजार थे आज भी वही बाजार है, बाजार को थोड़ा बहुत जब माल कम आया उठाओ थोड़ा उसमें, देखो एकदम से जंप मारा है तो रिटेल में जो ले जाने वाला है वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। अच्छा, क्योंकि पीछे बाजार काफी उतार चढ़ाव हुए है, तो सेल तो इतनी खास नहीं है जो कह सकते हैं। कल 30 से 35 गाड़ी बिकी है मंडी के अंदर, और आज भी मेरे ख्याल से 30 से 35 गाड़ी बिकनी चाहिए। तो जैसे 50-55 गाड़ी भी बिक जाए सीजन में, तो ये लोग आजकल खा रहे क्या जी फिर? देखो जी वो नहीं है, चक्कर क्या है मैं बताता हूँ। पहले सामने वाला घर बाजार में जो आदमी बेचता है वो 20 रुपये किलो बेचता और अगले दिन जाके 30 रुपये किलो कर दे। अच्छा, मार्केट एकदम से 4-5 रुपये किलो तेज हुई है, तो आप ये मान के चलो पहले जो 20 रुपये प्याज मिल रहा था आज वो 25 रुपये उसको बाजार या मंडी में प्याज मिल रहा है, तो 30 रुपये तो आम बेचेगा ना, तो उसको बाजार में बेचने में काफ़ी 2 से 4 दिन का टाइम लगता है बाजार में। तो बिक्री तो मेरे ख्याल से कल परसों से खुल जाएगी, और अराइवल भी कल परसों से कम हो जाएगा सब जगह। अच्छा जी, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं। पीछे मंडियों की बताओ, पीछे मंडियों में भी भाव बढ़े भाई? पीछे मंडियों में भाव बढ़े हैं जी, पीछे मंडियों में कल आप ये मान के चलो गुजरात की मंडियों में 15 रुपए से लेके ऊपर में 20 रुपए तक प्याजें बिकी है कल की जो, और पहले क्या किस रेंज में चल रही थी? पहले चल रहा था जी 10 से लेके 12-13-14 ऊपर में, यानी ये लगा लो कि 4 रुपए तक बढ़े जी फिर, ये 4-5 रुपए किलो का भाव बढ़ गया। पुन्ना बेल्ट में भी 15 रुपए बिक रहा था ऊपर में, वो कल 20 रुपए तक बिका है। अच्छा जी, और बाकी बात करें नासिक के अंदर भी, तो नासिक में भी 4-5 रुपए किलो का उछाला है। अच्छा जी, बाकी गवर्नमेंट थोड़ी जल्दी खरीदारी स्टार्ट कर दे 1-2 दिन में, क्योंकि कल कोई खरीदारी गवर्नमेंट की हुई नहीं पीछे, मेरे ख्याल से आज या कल
कल से खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी, तो किसानों का अच्छा रहेगा, किसानों को दो पैसे बाजार भाव से मिलेंगे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज के जैसे मऊ अभाव नगर वाले ये, इनका क्या बाजार चल रहा है? देखो जो काले माल है जी हमारी मंडी में 17 रुपए से लेके ऊपर में 19 रुपए बिक रहे हैं। 17 से 19 रुपए? अच्छा जी, अच्छा। और जो माइक्रो माल है वो 19 रुपए से लेके ऊपर में 21-22 रुपए तक बिक रहा है, गुजरात वाले। हाँ जी, हाँ जी, गुजरात के। अच्छा जी, और भाई सब। हाँ जी, बाकी जो नासिक के माल है 18 रुपए से लेके 22-23 रुपए की पहुँच। अच्छा जी, हाँ जी, नासिक के 18 से लेकर 22-23। एमपी बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी? नहीं नहीं, एमपी एमपी का माल कहाँ जा रहा है? अभी निकलना नहीं चालू है एमपी में? हाँ जी, एमपी में अभी माल निकलना चालू नहीं होया या नहीं? एमपी में हुआ है थोड़ा बहुत, शाजापुर वगैरह, सुजालपुर वगैरह में आ रहा है थोड़ा बहुत माल। अच्छा जी, वहाँ भी कल 15 से 20 रुपए बिका है, लोकल में जा रहा है। एमपी भी काफी बड़ा क्षेत्र है ना, तो लोकल में ही अपनी खपत हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, अपनी पूरी। और राजस्थान भी नहीं निकल रहा जी अभी? राजस्थान आ रहा है ना जी, सिक्कर आ जाइए 5 गाड़ी। अच्छा जी, प्याज जो बिक रहा है 12-13 रुपए बिक रहा है, कुचामन का बिक रहा है वो भी 12-13-14, कोई अच्छा जाए तो सुपर 14 रुपए। अच्छा जी, 12-13 रुपए की रेंज में ज्यादा बिक रहे हैं सिक्कर के। यानी ये लगाओ की जो ये सर्दी का प्याज है, इसको सर्दी का बोलते है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ये जो अभी कब तक चलेगा ये? हाँ जी, कब तक चलेगा अभी ये? ये चलेगा जी आपका अप्रैल तक। अप्रैल तक? 15 अप्रैल तक चलेगा। यानी जो इसका रेट 15 रुपए से ऊपर मिलता चला जाए, 15-18-20 रुपए लोकल में वहाँ बिकते चले जाएं? देखो सिक्कर का माल तो नहीं बिकता है 15-18। हाँ जी, सिक्कर का माल तो अगर 10-12 रुपए किलो बिक जाता है तो आगे किसानों के लिए ठीक है, क्योंकि हर साल वो 5-6 रुपए किलो बिक रहा था। अगर 10-12 रुपए किलो में सिक्कर के किसानों को भाव मिल जाता है तो उनके लिए ठीक। माल की क्वालिटी हल्की होती है थोड़ी? वो थोड़ा गिल्लेपन में माल होता है, और जो पुणे और नासिक के जो माल होते हैं आते सूखा के क्वालिटी वाइज माल आता है। अच्छा जी, अच्छा। अगर वहाँ का किसान भी थोड़ी मेहनत करे, सूखा के भरे, तो उनको भी भाव मिले, और वो थोड़ा गिल्लापन में भरते हैं, और वहाँ का सिस्टम जो गिल्लेपन का ही है, तो इस हिसाब। अब की बार कोई हरियाणा पंजाब की रिपोर्ट आएगी यहाँ कितना माल लग रहा? कोई फसल नहीं हरियाणा पंजाब में, इधर तो लोग छोड़ गए बिल्कुल। राणा जी भादरगढ़ में 1,00,000 रुपए गज जमीन हो। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से तो हमें तो दूर दूर तक उधर खेती नजर ही नहीं आती, खाली पड़े खेत। फिर हरियाणा और पंजाब के अंदर सबसे बड़ी बात लेबर नहीं है, लेबर की काफ़ी भारी प्रॉब्लम है, और प्याज में लेबर की अधिक मात्रा चाहिए इस हिसाब से। अच्छा जी, तो अच्छा। नहीं लगी ना के बराबर फसल है। तो आज बाद में उम्मीद है जी कुछ थोड़ा बहुत बाजार और गर्म होएगा, बस यही रेंज चलती रहेगी? देखो बाजार तो यही चलता रहेगा, बाकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है कल पता चल जाएगी, कल तस्वीर सामने आ जाएगी, क्या बाजार टिकते हैं क्या नहीं टिकते हैं। अच्छा जी, कल तक का सही हम रखें, कल पता चल जाएगा जो भी। चलो जी, आज तो यानी अभी तक तो ठीक ठाक है जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और कोई मैसेज देना हो जी किसानों के लिए? देखो किसानों के लिए तो अच्छा है, और अच्छा हुआ है 2-4-5 रुपए किलो भाव बढ़ा है। सरकार आजकल से खरीदारी चालू करे कि जो बाजार टिक जाए, और किसानों के लिए तो अच्छी बात है, 2-4-5 रुपए किलो बढ़े। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मोबाइल नंबर भाई साहब? 9540046282, योगेश शर्मा, महावीर ओरियन कंपनी। धन्यवाद भाई साहब जी।